पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय अधिवेशन 13 नवंबर 2022 को दिल्ली के राजेंद्र भवन में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर रिटर्निंग ऑफिसर अब्दुल रशीद अंसारी द्वारा एडवोकेट फिरोज अहमद अंसारी को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं 15 कार्यकारिणी के सदस्यों के चुने जाने का ऐलान किया। विभिन्न राज्यों के अध्यक्ष एवं डेलीगेट्स ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर दिल्ली राज्य के अध्यक्ष एवं अधिवेशन की स्वागत कमेटी के अध्यक्ष हाजी इमरान अंसारी द्वारा राज्यों के अध्यक्षों का फूल व शॉल पहनाकर इस्तकबाल भी किया गया। इस अधिवेशन में अब्दुल खालिद अंसारी, मंजूर अहमद अंसारी, शोएब नोमानी, अहमद वक़ार, अब्दुल कयूम अंसारी, मतीन परवेज अंसारी, अब्दुल रज़ाक अंसारी, शाहबुद्दीन अंसारी, शहादत हुसैन अंसारी, इदरीस अंसारी, गुलफाम अंसारी, वसी अहमद, मोहम्मद उमर लकड़ावाला आदि ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कांग्रेस के संगठन की मजबूती, मुल्क में बढ़ती मजहबी नफरत के विरुद्ध सरकार से उचित कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर हाजी अनवार अहमद, डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, शाकिर अंसारी व मुजीब खालिद अंसारी ने विशेष रूप से शिरकत की। वुमेन कॉन्फ्रेंस की शिरकत में आया हूँ। फेरोज रशीद साहब, हमारे सदर है ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के, और उनके बुलाने पर हम यहाँ पहुँचे हैं। हम बुनकर समाज से है, हमारा जो है व्यवहार धंधा कारोबार जो है सब बुनकरों पे डिपेंड है। सर, जैसे आज की जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई है, सब लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये तो कॉन्फ्रेंस होना चाहिए साल में, दो साल में एक आध बार, इससे एक जहती साबित होती है और हम हमारी मांगे जो है हुकूमत को मनवा सकते हैं। और हमारी जो बरादरी है ये OBC में आती है, OBC अदर बैकवर्ड में, हम चाहते हैं कि इसके रिजल्ट जो है हमारे कौम में, हमारे नीची नस्लों में आए। आज तक बड़े बड़े लोगों में काम होता रहा है और फेरोज रशीद साहब के हाथ मजबूत करने के लिए हम यहाँ आते हैं।